आज के मुकाबले में रोहित शर्मा को लेना क्यों दोस्तों टफ हो सकता है, या फिर विराट कोहली को कैप्टनसी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक मत करिएगा। आपके लाइक की मुझे जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो पूरी देखिएगा और आप जीतते हो ना तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, और जो भी हमारी वीडियो देखता है ना वो जीतता 100% है। जी हाँ दोस्तों, 100% जीतता है। यदि आप भी विन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपके लिए फ्री गिव अवे मिलेगा, आफ्टर टॉस अपडेट यहाँ पर मिलेगी और बेस्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग का वो भी आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बात करें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वेन्यू के बारे में, वेन्यू के बारे में यदि चर्चा करें तो आप देखोगे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगातार तीसरा मुकाबला है जो कि मुंबई में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के लिए लगातार तीसरा मुकाबला है और मुंबई और बेंगलोर दोनों के लिए मस्ट विन मुकाबला है, और मेरे हिसाब से दोनों इस टूर्नामेंट में बाहर होने वाली है। मुझे आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आप देखोगे वेन्यू की डायमेंशन, डायमेंशन सामने की बाउंड्री बड़ी है, यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर बाउंड्री बड़ी है 70 से 78 मीटर तक, और यहाँ से 60 से 66 मीटर तक बाउंड्री है। मतलब आपके लिए जो स्क्वायर बाउंड्री है वो छोटी है, तो हुक और पुल करने वाले को फायदा मिलने वाला है, जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी दोस्तों इस वेन्यू पर खेलना खासा पसंद करती हैं। जी दोस्तों, बहुत ज्यादा पसंद है विराट को, और विराट तो खेलते ही हमेशा से अच्छा है। आप देखोगे यहाँ पर टोटल मुकाबले खेले गए 113, पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए 63 मुकाबले यहाँ पर विन किए हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक बात बता देता हूँ, जो टीम टॉस जीतेगी ना वो आपके लिए पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएगी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करेंगे तो सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाती है। इस कारण आपके लिए कोई भी टीम सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करना पसंद नहीं करेगी, तो जहां तक मेरा मानना है। बात करें दोस्तों यहाँ पर स्कोर वेन्यू पर एवरेज स्कोर के बारे में, तो 180 यहाँ पर एवरेज स्कोर आता है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी स्कोरिंग विकेट है। जी हाँ दोस्तों, स्कोरिंग विकेट है, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। और पेस बॉलर को विदाउट हेजिटेशन यहाँ पर दोस्तों परचेज मिलने वाला है, क्योंकि लाल मिट्टी की विकेट है, पेस बॉलर के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन याद रखिएगा, लाल मिट्टी की विकेट कभी कभी स्पिनर की गेंद भी पकड़ने लगती है। जी हाँ, स्पिनर की गेंद भी पकड़ने लगती है लाल मिट्टी की गेंद, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। और आफ्टर टॉस जो भी पिच रिपोर्ट आएगी ना वो आपके लिए मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर वेन्यू पर स्कोरिंग पैटर्न है, आप भी देखोगे 150 और 150 से नीचे 26 बार, 150 टू 169 26 बार, 170 189 34 बार, और 190 अब देखोगे आप तो 26 बार स्कोर देखने को मिला है। संभवतः दोनों ही टीमों की अच्छी बैटिंग है और खासकर मुंबई इंडियंस की, तो आपके लिए 200 के अप्रोक्सीमेट स्कोर देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 200 के अप्रोक्सीमेट आपके लिए स्कोर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए बात करेंगे रिसेंट मुकाबले जो वेन्यू पर खेले गए उनके बारे में। तो आप यहाँ पर देखोगे मुंबई इंडियंस ने लास्ट मुकाबले में 234 बनाए थे, लास्ट के ओवर में ही 32 रन आए थे, रोमारियो सेफर्ड ने मारे थे दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे दिल्ली भी हालांकि 205 यहाँ पर बना लिए थे, पेस बॉलर को 10 विकेट, तो स्पिनर को मिले थे मात्र 2 विकेट। हालांकि दोपहर का मुकाबला था, ड्यू नहीं आई थी, फिर भी आपके लिए स्पिनर को विकेट नहीं मिले, और इस मुकाबले में तो ड्यू आना है क्योंकि शाम का मुकाबला है। फिर उसके बाद आप देखोगे मुंबई इंडियंस ने 125 और यहाँ पर 127 राजस्थान ने इजी चेस कर लिया था, 10 विकेट पेस बॉलर, तो स्पिनर को फिर मिले थे 3 विकेट। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, एक में तो बिल्कुल कम स्कोर बना और एक में इतना ज्यादा स्कोर बना, तो कैसे एक विकेट चेंज होती है। जी दोस्तों, जिस भी पिच पर मुकाबला खिलाएंगे ना उसके बारे में भी अपडेट मैं आपके लिए टेलीग्राम पर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फिर उससे बाद देखोगे आप यहाँ पर 200 और 201 मुंबई ने चेस किए, 6 और 1 का रेशियो रहा था। फिर 218 और यहाँ पर आप देखोगे 191 और 5 और 8, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा परचेज मिली थी स्पिनर को। तो आपने इन सभी चीजों में नोटिस की होगी, अप्रोक्सीमेट 200 और 200 के प्लस स्कोर बनता है। और फिर सेकंड बात क्या है कि पेस बॉलर, मतलब आप बल्लेबाज और पेस बॉलर को ट्राई कर चल सकते हो, इन चीजों को आप ध्यान में रखकर चल लीजिएगा। हेड टू हेड 32 मुकाबले हैं, मुंबई ने जीते 18, तो वहीं आरसीबी ने मात्र 14 जीते हैं, तो आप समझ सकते हो कि मुंबई का थोड़ा सा पड़ला भारी है और उनका होम वेन्यू है, तो आरसीबी को थोड़ी समस्याओं का तो सामना करना पड़ेगा। आप यहां पर देखोगे आरसीबी 199 बनाए 6 विकेट को नुकसान पर, और मुंबई ने आप देखोगे तो 200 चेस कर लिए थे, 68 ग्लेन मैक्सवेल, फेफ डू प्लेसिस 65 रन, और यहां पर आप देखोगे तो दिनेश कार्तिक 30 रन और विजय कुमार बिशक को 2 विकेट मिले थे। सूर्या इन्होंने वापसी की है, हालांकि भले ही धमाकेदार वापसी नहीं हो लेकिन टीम जीती है तो धमाकेदार ही आप उसे कह सकते हो, 83 रन। ईशान किशन 42 रन और कुमार कार्तिकेयन, और ये दोनों खेलेंगे नहीं तो इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं हम। फिर आप देखोगे तिलक वर्मा 84 रन, यहाँ पर 171 बनाए और 172 बनाकर चेस किए,
और फिर जसप्रीत बुमराह को एक विकेट मिला, विराट कोहली 82, फेफ डु प्लेसिस फिर स्कोर किया, करण शर्मा नहीं खेलेंगे, सिराज को एक विकेट मिला, आरिस टोपली इंपोर्टेंट गेंदबाज है नोट कर लीजिएगा, और आकाशदीप को भी एक विकेट मिला, हालांकि आकाशदीप भी अभी तक तो इस सीजन में खेलते हुए नजर नहीं आए और संभवतः आपके लिए आगे भी खेलते हुए नजर ना आए। अब हम बात करेंगे प्लेयर बैटल की, तो ये सबसे इंपोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले देखिए आकाशदीप रोहित शर्मा के खिलाफ 4 गेंदों में 6 रन बनाकर 1 बार आउट हुए, और खास बात एक ग्लेन मैक्सवेल के, ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप में भी आउट किए थे, बड़ा दर्द हुआ था दोस्तों। तो ग्लेन मैक्सवेल दुश्मन तो है रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप बनने था, 9 गेंदों में 15 रन दिए, तो एक बार आउट जरूर इन्होंने किया। उसके बाद ईशान किशन, आकाशदीप फिर नाम आया यहाँ पर, और अलजारी जोसेफ तो छोड़ दीजिएगा आप यहाँ पर। फिर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव, अलजारी जोसेफ के खिलाफ 60 गेंदों में 125 रन बनाए और मात्र 2 बार आउट, मतलब 200+ के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है, और कैमरून ग्रीन के खिलाफ भी 7 गेंदों में 3 रन बनाकर 1 बार आउट हुए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपके लिए तिलक वर्मा, तिलक वर्मा आकाशदीप, फिर आकाशदीप बहुत नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर खिला क्यों नहीं रहे भाई, खिलाइएगा, टेस्ट भी अच्छा खेला था उन्होंने, टेस्ट बुरा नहीं खेला, टेस्ट भी अच्छा खेला था, वैसे ही आपकी गेंदबाजी इतनी कमजोर है कि जरूरत है ही नहीं, तो उन्हें भी एक बार मौका देकर देख लीजिएगा। यहाँ पर आकाशदीप का फिर एक विकेट, अलजारी जोसेफ को विकेट नहीं मिला था, मतलब हेड टू हेड कर वर्मा को, तिलक वर्मा को आउट नहीं किया, और यहाँ पर फिर अलजारी जोसेफ ने आउट किया दोस्तों हार्दिक पांड्या को और रीस टोपली। लेकिन तो याद रखिएगा जो रीस टोपली है ना, आप सीधे जाइए रोहित शर्मा के पास, इन्हें भी परेशान करने वाले हैं, इन बातों को आप ध्यान में रखकर चल सकते हो। फिर आप देखोगे विराट कोहली जसप्रीत बुमराह, इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल, और सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों यही रहने वाला है। जसप्रीत बुमराह की 21 गेंदों में मात्र 29 रन कर पाए विराट, और 2 बार इन्होंने आउट कर दिया है। फिर आप देखोगे फेफ डु प्लेसिस, लुक वुड ने इन्हें आउट किया है, और रोमारियो सेफर्ट, रोमारियो सेफर्ट खेलते हुए नजर आ जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखकर चल सकते हो। रजत पाटीदार छोड़ दीजिएगा, ग्लेन मैक्सवेल और रोमारियो सेफर्ट, रोमारियो सेफर्ट और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने काफी बार आउट किया है, लेकिन ये तो सिर्फ 1-2 साल का ही आंकड़ा है, 10 गेंदों में 9 रन देकर 1 बार आउट किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली प्लस दोस्तों कौन अपना ग्लेन मैक्सवेल, इन दोनों को काफी ज्यादा समस्या खड़ी करने वाले हैं, इस बात को आप दोस्तों समझकर चल सकते हो। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों हम संभावित 11 के बारे में। यहाँ पर मुंबई की शायद विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई छिड़खानी ना हो, तो एज इट इज आपके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट मुकाबला ये अच्छा खेले थे, तो ऐसा कैसा मिलेगा, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड और हार्दिक पांड्या है। फिर आप देखोगे रोमारियो सेफर्ड है, मोहम्मद नबी, गार्जिल कोटले कोएट जी। फिर आप देखोगे यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, आकाश मधवाल, और दोस्तों आप देखोगे फिर यहाँ पर पीयूष चावला, तो ये संभावित 11 यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बेंगलोर के बारे में चर्चा करें, तो इन्हें तो चेंजेस की भी जरूरत है, और दोस्तों इनका पोटेंशियल भी मुझे इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो इसमें चेंजेस क्या होगा, एक तो रजत पाटीदार आपके लिए संभवतः खेलते हुए नजर ना आए, इनकी जगह कोई और खेले, महिपाल लोमरोर ने क्या गलती की है भाई, इसे टॉप ऑर्डर में यहाँ पर बल्लेबाजी कराइए ना रजत पाटीदार की जगह, पाटीदार मान रहा हूँ प्लेयर अच्छे लेकिन परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आ रहा, तो आप इतना चेंजेस तो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होगा, और जो भी चेंजेस होगा ना वो आपके लिए मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस के बारे में। रोहित शर्मा 49 किए, लेकिन इनके 49 काफी यूजफुल रहे, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने किए, और इससे पहले 26-43 मतलब बल्लेबाजी तो ये कर रहे थे, लेकिन आज के मुकाबले ब्रिस टोपली एक बहुत बड़ा खतरा है, तो वहां से इन्हें बच जाए तो दोस्तों बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। और शुरुआत में यदि रिस्ट ओपली को इन्होंने आड़े हाथों ले लिए तो कोई बात ही नहीं है, हेड टू हेड 28 के एवरेज है, और वेन्यू पर है इनका 34 का, और काफी सारे रन इन्होंने 2020 रन इन्होंने वेन्यू पर बनाए, तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है, डेफिनेटली आप अपनी टीम में ट्राई कर चल सकते हो। फिर आप देखोगे ईशान किशन 42 रन 16-34 और 0। ईशान किशन मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता है प्लेयर, क्योंकि ये जैसे ही पावर प्ले निकलते हैं ना तो इनका बहुत स्लो हो जाता है, स्ट्राइक रेट बहुत स्लो हो जाता है, हालांकि ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड और वेन्यू पर इतना खास नहीं है, आप इन्हें ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको इनके अलावा ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मत दीजिएगा, रोहित को आप विदाउट हेजिटेशन दे सकते हो, भारतीय टीम का कप्तान है, भले ही मुंबई का नहीं है लेकिन भारतीय का तो है। मैंने बोला था कि ये वापसी कर रहे हैं तो संभवतः पहले मुकाबले में स्कोर ना करें, लेकिन आप देखोगे इनके खिलाफ हेड टू हेड इनका रिकॉर्ड अच्छा है और वेन्यू पर भी अच्छा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर चल सकते हो, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सूर्य कुमार यादव आज के मुकाबले में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य ज्यादा फेल नहीं होगा, कब मुकाबले लगेंगे तो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है, बिल्कुल आप इन्हें अपनी टीम में ले सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तिलक वर्मा लगातार स्कोर कर रहे हैं, हालांकि लास्ट मुकाबले में फेल हुए थे, 32, 64, 25
और यहाँ पर हार्दिक बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। मुझे देखकर अच्छा लगा कि हार्दिक बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन दोस्तों इतने कम स्ट्राइक रेट से खेलेंगे हार्दिक ऐसी उम्मीद भी नहीं है। आप देखोगे हेड टू हेड बहुत शानदार 84 का एवरेज है, वेन्यू पर 31 का एवरेज है। इंपोर्टेंट प्लेयर है, ग्रैंड लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है और संभवतः आपके लिए अब ये नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे तिलक वर्मा। उसके बाद बात की जाए हार्दिक पांड्या, 39 रन यहाँ पर विकेट नहीं मिला, 34 रन विकेट नहीं मिला, 24 रन एक विकेट और 11 रन यहाँ पर भी विकेट इन्हें नहीं मिला। हेड टू हेड 42 के एवरेज, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं और लास्ट मुकाबले में याद रखिएगा नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और वेन्यू पर 28 के एवरेज है, साथ में 5 और 23 विकेट भी हैं, तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है। कल के आज के मुकाबले में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप इन्हें भी दे सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाएंगे। और इनको समस्या किस किस से है वो आपके लिए मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। टिम डेविड ग्रैंड लीग की चॉइस है, हालांकि लास्ट मुकाबले में आप देख भले ही रहे होंगे 45 रन यहाँ पर 17 42 और 11, लेकिन मैं फिर भी इन्हें ग्रैंड लीग की चॉइस कहूंगा। स्मॉल लीग में आपके लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है, हेड टू हेड 2 मुकाबले में मात्र 4 रन है, वेन्यू पर 9 मुकाबलों में 45 के एवरेज से 226 रन है। उसके बाद रोमारियो सेफर, भले ही लास्ट मुकाबले में इतनी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली हो 10 गेंदों में 39 रन की, लेकिन याद रखिएगा कि इतने इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं मान रहा हूं और इन्हें सिर्फ आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग की टीम में आप इन्हें ट्राई मत करिएगा। उसके बाद आप देखो कि गार्जलैंड कोडजे 4 विकेट निकाले थे, यहाँ पर गलती से टाइप करना मैं भूल गया, 4 विकेट यहाँ पर इन्होंने निकाले थे, फिर एक एक एक, मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे दोस्तों, लगभग दो ओवर करेंगे डेथ ओवर में, और पावर प्ले में करेंगे एक ओवर कर सकते हैं जहां से दोस्तों पावर प्ले में मुझे इनसे एक ही ओवर की उम्मीद है, जहां तक हार्दिक पांड्या की मैं मेंटालिटी पढ़ पा रहा हूँ, एक ओवर पावर प्ले में कराएंगे, लेकिन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज है तो डेथ ओवर में ज्यादा गेंदबाजी कराएंगे, लगभग 2 ओवर ही डेथ ओवर में इनसे कराएंगे। फिर आप देखोगे मोहम्मद नबी 6 रन 0 विकेट, दोस्तों बल्लेबाजी आई थी इनकी और स्कोर भी किया था, लेकिन ये भी सिर्फ ग्रैंड लीग की चॉइस है, क्योंकि इतने नंबर पर आना और वहां पर बल्लेबाजी करना कोई मतलब नहीं है। जसप्रीत बुमराह नाम नोट कर लीजिएगा, कल के मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल को तो कम से कम आउट करने ही वाले हैं, मेरे हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल को आउट करेंगे और ग्लेन मैक्सवेल बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए दो धारी तलवार हो सकता है, एक ओवर करेंगे ये पावर प्ले में, अब लास्ट मुकाबले में 2 किए थे तो एक या 2 ओवर, और 2 ओवर इनके हैं दोस्तों डेथ ओवर में फिक्स। इनका विकेट की जब जब विकेट को चाहना होगी मुंबई को, तब आपके लिए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, ब्राट प्लस ग्लेन मैक्सवेल इन दोनों को बहुत ज्यादा ही परेशान करने वाले हैं। उसके बाद आप देखोगे आकाश मधवाल 3-3 विकेट लगातार निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, पावर प्ले में लगभग 2 ओवर करेंगे और 1 ओवर दोस्तों ये करेंगे डेथ ओवर में। उसके बाद पीयूष चावला ग्रैंड लीग की चॉइस है, ग्रैंड लीग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इन्हें ट्राई मत करिएगा, स्मॉल लीग में क्योंकि मुझे नहीं लगता स्पिनर को ज्यादा परचेज मिलने वाली है। यदि परचेज मिलेगी पहले गेंदबाजी करती है टीम तब तो ठीक है, सेकंड गेंदबाजी करती है तो इतनी ज्यादा स्पिनर को कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर चल सकते हो। अब दोस्तों आप माय फेवलियन को डाउनलोड कर सकते हो, यदि आपको डाउनलोड करना है तो विदाउट हेजिटेशन आप माय फेवलियन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर आप Raj123 कोड जरूर डाल दीजिएगा, कोड डालना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे ही आप कोड डालोगे हमारी तरफ से आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे एक्स्ट्रा गिव अवेज दोस्तों, डिस्काउंट, एंट्री फी, और हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, आप एक बार जरूर इसे ट्राई कर देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें लोएस्ट एंट्री फीस है, 1-2 मिनट में बैंक विड्रॉ मिल जाएगा, उसके बाद आपके लिए जीएसटी नहीं देना, आपकी तरफ से जीएसटी हम पे करने वाले हैं और लो कंपटीशन है, तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देख लेना। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन पूछूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, आप बस देखते चलिएगा। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों, अब हम बेंगलोर के बारे में, चर्चा करें तो फेफ डू प्लेसिस 44 रन, लेकिन इससे पहले लगातार इनका फेल्यूर आया था, तो इन्हीं पर आप एक रिस्क ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि रिस्क लेना चाह रहे हो तो फेफ डू प्लेसिस पर आप रिस्क ले सकते हो, हालांकि वेन्यू पर इनका एवरेज बहुत अच्छा है, 49 का हेड टू हेड ठीक है, 32 का T20 में अच्छा माना जाता है, मिस्टर परफेक्ट स्कोर करेंगे, लेकिन इनकी थोड़ा स्लो खेलने पर आलोचना हो रही है, क्योंकि ये 67 गेंदों पर इनका 100 आया था, लेकिन स्कोर तो हमें स्कोर से मतलब है, हमें मतलब नहीं है स्लो खेले तेज खेले, हमें स्कोर से, इसलिए एक सेफ ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक सेफ ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, आप हेड टू हेड देखोगे 32 का एवरेज है, वेन्यू पर 52 का एवरेज है, और क्या चाहिए भाई आपको, और क्या चाहिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस है और लगभग अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 मुकाबलों में 316 रन इनके लगभग हो चुके हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा प्लेयर है। फिर आप देखोगे रजत पाटीदार ग्रैंड लीग की चॉइस है, और दोस्तों इनके बारे में जो भी अपडेट आएगी, या यहाँ पर महिपाल लॉन्ग रोड खेलेंगे तो उसके बारे में अपडेट मैं टेलीग्राम पर करूंगा,
ग्लेन मैक्सवेल। ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का, लेकिन स्मॉल लीग में आप इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने से बच सकते हो, क्योंकि इनके सामने जसप्रीत बुमराह नाम का एक बॉलर खड़ा है ना, वो इन्हें परेशान कर सकता है, और यदि उनसे बच गए तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। हेड टू हेड है 29 का एवरेज और वेन्यू पर है 36 का है एवरेज। हेड टू हेड 17 मुकाबलों में 3 विकेट भी है। अब देखने लायक रहेगा कि गेंदबाजी कितनी करते हैं। खैर आपके लिए रिस्की ऑप्शन मैं जरूर दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन का, आप रिस्की ऑप्शन इन्हें मानकर चल सकते हो। उसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कैमरून ग्रीन, पता नहीं इनको क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छे खेलते हैं लेकिन यहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, ऐसा मैं नहीं दोस्तों फैंस बोल रहे हैं इनका। वेन्यू पर आप देखोगे 7 मुकाबलों में 76 का एवरेज है। वेन्यू पर अच्छा खेले हैं दोस्तों, एक्चुअल मुंबई की तरफ से खेल रहे थे तब अच्छा खेल रहे थे। आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन प्लेयर ट्राई कर सकते हो और प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, विदाउट हेजिटेशन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे ए भी ग्रैंड लीग की चॉइस है, स्मॉल लीग में आप ज्यादा चर्चा मत करिएगा। फिर आप देखोगे नेस कार्तिक, ए भी आपके लिए ग्रैंड लीग की चॉइस है, बल्लेबाजी नहीं आई थी। हेड टू हेड 23 का और वेन्यू पर है 35 का एवरेज, प्लेयर अच्छे हैं, ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई करिएगा। और सेम हिमांशु शर्मा भी आपके लिए ग्रैंड लीग की ऑप्शन है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। जी दोस्तों, बेंगलुरु की टीम में ग्रैंड लीग के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, तो आप यदि ग्रैंड लीग ट्राई कर रहे हो ना, तो बेंगलुरु की टीम को आप प्रेफरेंस थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो ग्रैंड लीग में। उसके बाद यश दयाल लगातार एक एक विकेट निकाल रहा है और लेफ्ट आर्मर गेंदबाज है, तो रोहित शर्मा को यश दयाल रीस टोपली ये दो बड़ा परेशान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो बड़ा परेशान कर सकते हैं। खैर वेन्यू पर 3 मुकाबलों में मात्र 1 विकेट है। मयंक डागर, इन्हें तो विकेट मिल ही नहीं रहे भाई, इनकी जगह आप एक बार आकाशदीप को खिलाकर देख लीजिएगा क्या बिगड़ा है, मैं मैनेजमेंट से कहना चाहूंगा। उसके बाद आप देखोगे मिया मैजिक भी कुछ मैजिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु की टीम की छाया इन पे पड़ रही है। पावर प्ले में करेंगे लगभग 2 ओवर और 1 ओवर करेंगे ये लगभग, डेथ ओवर में या 2 ओवर भी आपके लिए डेथ ओवर में डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो ठीक ठाक प्लेयर है, आप इन्हें पर यदि रिस्क लेना चाहते हो ना, तो इनकी टीम की तरफ से ट्राई कर इन पर रिस्क ले सकते हो। उसके बाद रीस टोपली, ए भी रोहित शर्मा को और एक्चुअल ओपनर को ही ये परेशान करने वाले हैं। हेड टू हेड 1 मुकाबला है, 1 विकेट है और पावर प्ले में लगभग 2 से 3 ओवर डालने वाले हैं और 1 ओवर ही करेंगे मिडिल ओवर्स में, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। लास्ट मुकाबले में 2 विकेट निकाले, इससे पहले 1 विकेट निकाला, अच्छा ऑप्शन है। अब आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में आपके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक चीज बताना है कि आज के मुकाबले में ड्रीम टीम का कैप्टन कौन रहेगा और वाइस कैप्टन कौन रहेगा। सबसे सरल और इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो आप दोस्तों कमेंट कर बता सकते हो। आपको जैसा कि मैंने बताया ना कि आपको कमेंट करने का क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपके लिए @FCC24 करना है, फिर यहाँ पर लिखना है विकेट की जगह कैप्टन और उस प्लेयर का नाम जो लगता है आपके लिए कैप्टन रहने वाला है, फिर लिखना है BC वाइस कैप्टन और उस प्लेयर का नाम जो आज के मुकाबले में वाइस कैप्टन रह सकता है। तो आपके लिए सिर्फ इतनी सी चीजें बताना है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा दोस्तों, अपना लक ट्राई कर देखिएगा। और ऐसे ही प्रत्येक विनर को आप 1,000 रुपये का कैश प्राइज देने वाले हैं, और ऐसे कर हम दोस्तों फर्स्ट जो 100 कमेंट करेंगे उनको 1,00,000 तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप भी अपना लक आजमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपना लक आजमा लीजिएगा आप यदि जीतना चाहते हो। तो चलिए बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन। सेफ ऑप्शन में आप देखोगे विराट कोहली, रोहित शर्मा और कैमरून ग्रीन की जगह आप डाल सकते हो, ग्लेन मैक्सवेल को भी डाल सकते हो सेफ ऑप्शन में, तो मेरे हिसाब से ये सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। बाद बाकी रिस्की ऑप्शन ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव रिस्की क्यों है, क्योंकि अभी इन्होंने वापसी की है इसलिए ये थोड़े रिस्की है। खैर आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके लिए जो फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन आएगा ना वो टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं एक कॉम्बिनेशन जो हमने आपके लिए रेडी कर रखा है। ईशान किशन है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, फैब डु प्लेसिस है, फिर आप देखो ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या, कैमरून ग्रीन है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और गार्लियन कोट जी हैं। तो ये भाई मैंने एक कॉम्बिनेशन आपके लिए दिया है, लेकिन याद रखिएगा फाइनल कॉम्बिनेशन आपके लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगा विद कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।